नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड में इस समय में जेपीएससी, जेएसएससी और जेटेट की क्या पोजीशन चल रही है, इस पर बात करेंगे आपके साथ में। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन, सही ऑथेंटिक विश्लेषण सही समय पर मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे कि जेएसएससी को लेकर के जो रिजल्ट आने वाला था, यानी कि हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया था, लगभग 4 महीने हो रहे, सरकार कुछ भी नहीं सोच रही। यानी कि सरकार के कान में जो कहावत है कि जूं तक नहीं रेंगना, वही कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है। अधिकारी हाईकोर्ट के फैसले से डरने वाले नहीं है, हाईकोर्ट के निर्देश से भी डरने वाले नजर नहीं आते हैं। यही कारण है कि जेएसएससी के स्टूडेंट्स बहुत परेशान, जेपीएससी वाले भी परेशान ही हैं, क्योंकि अभी उनके एग्जाम्स होने वाले हैं, लेकिन कब होगा ये उन्हें भी अब पता नहीं चल पा रहा। हालांकि ये देरी हो गया है, तकरीबन 5 से 6 महीने का आपके पास में समय बच रहा है। तब तक आप हमारा जो फ्री क्लासेज, एक प्रैक्टिस सेट चलता है सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और 8 बजे से एक पेड क्लासेज होती है मेंस के लिए, जेपीएससी मेंस को फोकस करके बनाया गया है, उसको ज्वाइन करने के लिए 9431156794 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि 115-16 दिन हो गया हाईकोर्ट का निर्देश दिया हुआ कि जेएसएससी का सभी रिजल्ट को जारी कर दीजिए, क्या रिजल्ट जारी हो जाएगी? हमें नहीं लगता है, क्योंकि जेपीएससी ने और जेएसएससी ने कुछ ऐसे मिसाल कायम किए हैं जिसे देखकर स्टूडेंट्स को काफी डर लगता है और हैरानी भी होती है। हैरानी इसलिए होती है कि अमूमन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के किसी निर्देश के आ जाने के बाद लोगों को लगता है कि अब सारा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन झारखंड में जेएसएससी और सरकार को कई बार निर्देश दिया गया, ये तीसरा मौका होगा जब हाईकोर्ट की बात का उल्लंघन होगा। एक आम आदमी के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तुरंत हो जाता है, और ऐसे में देखना पड़ेगा कि क्या इस बार हाईकोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना का याचिका को स्वीकार करके क्या सरकार के ऊपर कोई कार्रवाई करती है, या सरकारी अधिकारियों पर जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उसके लिए कोई निर्देश दिया जाता है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि झारखंड में इस समय स्टूडेंट्स कई वर्षों से सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं, उनके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। 2013 पास वाले का स्थिति देख लीजिए क्या है, 16 पास वाले हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं। तो हमारा सवाल है कि नया जेटेट की तैयारी करके आप क्या कीजिएगा, क्या हासिल होगा? फिलहाल जेपीएससी ही एक उपाय दिख रहा है जो परीक्षा होने वाली, यानी कि जेपीएससी के एग्जाम होने वाले हैं, और उम्मीद की जा रही है कि झारखंड लोक सेवा आयोग एग्जाम लेगी। हालांकि एग्जाम तो हो ही जाता मैम कि पहले वीक में, लेकिन इसलिए नहीं हुआ कि बहुत बड़ी महामारी है, और अब 6 महीने का तकरीबन हमें लगता है कि समय मिल गया है। चूंकि यूपीएससी ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में अपना डेट रखा है परीक्षा का, पीटी का, उस लिहाज से नजर आ रहा है कि कम से कम नवंबर या दिसंबर में जेपीएससी परीक्षा होगी। इस बीच में आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, आप घर में अपने से नोट्स मंगा सकते हैं, आप अपने से बना भी सकते हैं, एनसीईआरटी से बना सकते हैं। और हमारा जो एडवांस नोट्स है, एक बेसिक नोट्स है, बेसिक नोट्स आपको कहीं भी मिल जाएगा, वो मूल रूप से बेसिक टॉपिक्स होते हैं। लेकिन जो एडवांस नोट्स होता है उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बताया जाता है। आपको नोट्स की डेमो अगर चाहिए तो आप 9431156794 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मंगा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद आप ऑर्डर देंगे। लेकिन इस बीच में आपको तैयारी जारी रखनी है। अभी हमारा सलाह होगा कि पीटी की ओर से ध्यान हटा करके मुख्य परीक्षा पर फोकस कर दीजिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर आपकी हो जाती है तो 70-80% आपकी जो पीटी की तैयारी है वो हो गई समझिए, मतलब पीटी परीक्षा आपका हो गया है। आप इस प्रकार से मेंस की तैयारी अगर कर लेते हैं तो साथ ही साथ मेंस में लेखन शैली में सबसे पहला काम करना है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, इवेलुएट कीजिए, एग्जामिन कीजिए, क्वेश्चन का समीक्षा कीजिए, क्वेश्चन पर कमेंट कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, ऐसे कई प्रश्न होते हैं, विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए। तो आपको ये सबसे पहला काम है मेंस एग्जाम में कि अंत में जो चीज लिखा हुआ सबसे लास्ट में चर्चा करें हैं,
व्याख्या करें, विश्लेषण करें, एनुमेरेशन है, एक्सप्लेनेशन है, एनालिसिस है, क्या पूछा गया है, और उसके बाद आपको उसको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप जो जानते हैं वही लिख करके आना है। दूसरा कि मेंस में पॉइंट वाइज लिखना है या फिर उसको पैराग्राफ वाइज लिखना है, ये भी बहुत सब प्रश्न होता है। मेंस के एग्जाम में कितने कलर का यूज कर सकते हैं, क्या दो कलर से लिख सकते हैं, क्या सारे चीजों को अंडरलाइन करना जरूरी हो जाता है, कितना लेंथ होना चाहिए क्वेश्चन का 40 नंबर के लिए, 250 वर्ड्स अगर बोला गया है तो उसकी लेंथ कितनी प्रतिशत आगे पीछे हो सकती है, क्या एग्जामिनर सारे वर्ड्स को काउंट कर लेते हैं, क्या एग्जामिनर को सारा कुछ मॉडल आंसर पहले से मिल जाता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारी क्लासेज आ गई है, मेंस वाली क्लासेज, तो उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। लेकिन आप हमारे साथ इसलिए भी जुड़े रहेंगे, अगर आप क्लास नहीं भी करते हैं तो पीटी की प्रैक्टिस सीट फ्री में दिया जा रहा है, मॉर्निंग के समय में आप उसको देखेंगे, बाद में भी देख सकते हैं उसको, और जो क्लासेज आप मेंस की ज्वाइन करेंगे उसकी लिंक भी बाद में देख सकते हैं, ये एक सुविधा है। मंथली पेमेंट पर क्लासेज चल रही है, यानी कि पहला महीना आपको अच्छा लगेगा तभी दूसरे महीने पर आप जाएंगे, और जहां दिल्ली में लाखों रुपया खर्च हो रहा है, ऑनलाइन में भी कोचिंग की फीस 80,000 से 90,000 तक है, वहां पर काफी कम फीस में उसके सिर्फ 10% कॉस्ट पर ही हम लोग आपको क्लासेस दे रहे हैं, जो दिल्ली में 100% कॉस्ट है उसके 10% पर वही क्वालिटी के साथ आपको मिल रहा है, तो आप इसका लाभ जरूर से लेंगे। जेएसएससी वाले के लिए इंतजार की घड़ियां लंबा है। सोनी कुमारी के बारे में अब कुछ बोलना भी मतलब बेकार की बातें होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है और वो अभी ताक पर रख दिया गया, मतलब कॉन्स्टेंट है, कब उस पर सुनवाई होगी बोलना मुश्किल है। तो अब आप इस पर झारखंड जैसे राज्य में और पिछले राज्य में जहाँ पर सुविधाओं की कमी है, वहाँ पर आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों से जुड़े हैं और स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को और खास करके विनय सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उनके मार्गदर्शन में मैंने ये सफलता पाई। आपके वीडियोस को देखकर भी सर बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को। हमारे साथ में नीतीश कुमार है, इस बार शिक्षा सेवा में दूसरा रैंक आया है झारखंड में, और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार आईएएस की भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, कई राज्यों के भी इंटरव्यू फेस किए हैं, वर्तमान में प्रचार्ज के रूप में कार्यरत है। आपको सर मेरे तरफ से सर बहुत धन्यवाद सर, कई बार हमने इंटरव्यू कई राज्यों में दिया है लेकिन कभी सफलता पूरी रूप से मुझे मिल नहीं पाई, लेकिन सर आपके साथ जुड़े तो सर आपने बताया कि इस बार आप निश्चित रहे और मेहनत भी सर आपने कराया है सर, और आपके साथ जो सर बैठ के सर चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया सर, मैं जीवन भर आप नहीं भूल सकता हूँ। अगर अच्छे मेंटर मिल जाते हैं सर, जैसे मैंने आईएएस अकेडमी में आपका सर वो बहुत ही अच्छे से हेल्प मिला सर, समय समय पर आपने जो गाइडलाइन दी है सर उससे हमको सच पानी बूटी कर काम करता रहा है, और बहुत मदद की आप कहीं यूट्यूब चैनल हो चाहे टेलीफोनिक को आपने हमेशा हौसला बढ़ाया, और सर से जितना भी परेशान करना है सर होगा कि नहीं मतलब चिंता मत करो, अगर इतना आ रहा है निश्चित तो सर वो सही। कुंदन कुमार जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले जो भी इंटरव्यू के टिप्स थे या बहुत सारे जो आप इंटरव्यू के जो मॉक सेशंस होते थे लोगों के वो शेयर करते थे या बहुत सारे क्वेश्चंस को बताते थे कि कैसे हाउ टू अप्रोच द इंटरव्यू, तो वो काफी हेल्पफुल रहा था सर। विनय आईएएस एकेडमी के लिए क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो
हमारे पास शब्द नहीं है, आपसे मिलना हुआ ये हमारा सौभाग्य था। सर आपकी मार्गदर्शन में विनय आई क्या कहती है, झारखंड में तो सर काफी अच्छा काम कर रहा है और इसका कुछ ब्रांच अगर दिल्ली में भी खुलता है तो खुद बाकी स्टूडेंट है उनके लिए बेनिफिट रहेगा। बात तो आपसे पहले भी होता था सर, लेकिन जब मेंस एग्जाम निकाले उसके बाद आपका इंटरव्यू हम उसे कभी अभ्यास नहीं किए थे ना मॉक इंटरव्यू कभी दिए थे, तो आपका जो 3-4 मॉक इंटरव्यू लगातार मिला उससे बहुत फायदा हुआ सर। और ओबेसली बोले तो आपका बहुत सा क्वेश्चन जो आप कराए थे मॉक इंटरव्यू में यूपीएससी का फाइनली इंटरव्यू में काम आया। जी सर आप बहुत फायदा है, काफी कॉम्पिटिटिव है आप और जो चीजें आप काफी रिलेवेंट चीजें वहाँ पे डिस्कस करते हैं। इन्हें ऐसे करने भी जिन्होंने साक्षात्कार में महत्वपूर्ण आपका जो सर विनय सर का योगदान रहा जी जी